अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लर्नर फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर जो है जिस टॉपिक पे है उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मेंडल ने जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पेश किया और पाइसम सेटिवम को इस्तेमाल किया, मटर को इस्तेमाल किया, किस लिए इस्तेमाल किया, किन वजूहात की बुनियाद पर इस्तेमाल किया, वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमने बात करनी है जनाब के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो उसने क्यों दिया और ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इसने मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया है, दो ट्रेड्स को लिया है और वो दो ट्रेड्स कौन कौन सी हैं। पहली है जनाब के उसने सीड की ली है, वो क्या कहते हैं, शेप ली है कि सीड राउंड है या फिर रिंकल्ड है, शेप को लिया है। और दूसरी ट्रेट उसने क्या ली है कि वो येलो है या फिर ग्रीन है। कि अब राउंड जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है, रिंकल जो है वो एक रिसेसिव ट्रेट है, येलो कलर जो है कलर ट्रेट में येलो जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है और ग्रीन जो है वो एक रिसेसिव ट्रेट है। अब राउंड के लिए उसने क्या कॉम्बिनेशन शो किया, कैपिटल आर का लीज का, रिंकल के लिए उसने स्मॉल आर का जनाब उसने जो है वो पेयर शो किया जीन्स का, ये दोनों हो गए राउंड एंड रिंकल के लिए। जबकि येलो के लिए उसने कैपिटल वाई को शो किया पेयर और ग्रीन के लिए उसने स्मॉल वाई का पेयर शो किया। अब अगर वो सिर्फ राउंड और राउंड एंड रिंकल का क्रॉस करवाता तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था जो कि उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में करवाया। और अगर उसने अब वो करवाता है या फिर वो करवाता येलो एंड ग्रीन का तो भी वो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता। अब इसमें वो क्या ले रहा है, वो ले रहा है राउंड एंड येलो, मतलब के शेप को भी ले रहा है और उसके साथ साथ कलर को भी ले रहा है, दोनों ट्रेड्स को बैक वक्त ले रहा है। तो ये एक डाइहाइब्रिड क्रॉस है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस की बेस पे जो है वो वकूफ पजीर होता है। उसने क्या किया जनाब, वो ये करता है कि एक तरफ उसने राउंड को लिया, ये ले लिया उसने कैपिटल आर और फिर उसने रिंकल्ड को ले लिया यूं करके स्मॉल आर, येलो को ले लिया जनाब कैपिटल वाई, स्मॉल वाई उसने ग्रीन को ले लिया। ये है P1 फर्स्ट प्रिंटर जनरेशन है। अब यहां पे दोनों रिसेसिव करेक्टर्स हैं, ट्रेड्स हैं, यहां पे दोनों डोमिनेंट ट्रेड्स हैं। अब यहां पे जो पॉसिबल गैमेट बन रहा है वो बन रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई और यहां पे स्मॉल वाई, ये दो पॉसिबल गैमेट्स बन गए हैं। दो तरह के जो वेरिएंट जो है वो गैमेट बन गए हैं और वो हमें यहां पे नजर आ रहे हैं, कैपिटल और कैपिटल वाई वाला एक गैमेट, दूसरा कैपिटल और कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई। क्यों, क्योंकि जनाब यहां पे गैमेट में आपको पहले भी बता चुका हूं गैमेट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं तो ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब अगर इनका क्रॉस करवाते हैं तो हमें क्या F1 क्या मुयसर आती है, वो ये मिलती है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमें मुयसर आती है जनाब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हमें ये पॉसिबल जो है वो F1 जनरेशन नजर आती है। अगर ये F1 जनरेशन हमें पॉसिबल नजर आती है जो कि उसने P1 के क्रॉस से F1 क्रॉस जो है वो F1 जो है वो जनरेशन को पैदा करवाया है, तो अब इसको वो कहता है कि जनाब कि ये पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं कि इनको आगे ले जाते हैं कि इनके पॉसिबल गैमेट्स क्या बन सकते हैं। तो वो जो पॉसिबल गैमेट्स वो बना रहा है वो क्या है, उनकी बात करते हैं, एक दो, बड़ा ही आसान तरीका से आपको बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ग्राफ को बहुत इजीली आपको ये मुयसर होगा, आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं।
आपने जनाब इस तरह करके चार डब्बे बना लेने हैं और चार बॉक्सेस बना लेने हैं, और चार बॉक्सेस में आपने क्या करना है जरा मैं आपको बताता हूं। अब आपने इसकी जो पॉसिबल गैमेट्स बनाने हैं वो क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी को यहां पे भी ये चार पॉसिबल गैमेट्स बन गए, जरा इनको लेना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये अब क्रॉस हो रहा है जनाब F1 का F1 के साथ, ये क्रॉस हो रहा है किसका, F1 के साथ हो रहा है। जो F1 जनरेशन आई थी, F1 जनरेशन में आपने क्या देखा है कि उसमें सारे जो थे, सारी जो जनरेशन पैदा हुई थी वो राउंड भी थी और येलो भी थी, क्योंकि राउंड में आर मौजूद है, ठीक है, और येलो में जो है वो क्या मौजूद है, वाई मौजूद है, कैपिटल वाई मौजूद है, कैपिटल आर मौजूद है। कैपिटल आर की मौजूदगी में स्मॉल आर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो रिसेसिव है, वो रिंकेड के लिए रिसेसिव है, और कैपिटल वाई जो है वो येलो के लिए है और ये भी डोमिनेंट है। कैपिटल वाई की मौजूदगी में स्मॉल वाई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो रिसेसिव है। अब यहां पे आपने क्या करना है, इसके सामने इनको उतारते जाना है, मतलब इसको आपने पहले इनको अपने सामने लिख लें कि ये है जनाब कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको इधर पूरा आगे सामने लिख लें, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। अब इसको इसके सामने लिख लिया, इधर भी इसको इधर सामने लिखते जाएं, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये इसको मैंने इसके सामने बिल्कुल चढ़ा दिया। इसको यहां पे ले आना है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, क्योंकि ये देखो ये इसके अब जो जिसके सामने लेन जो आ रही है कतार दर उसमें उसको लिखते जाए चुप करके। अब ये कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई सॉरी फॉर दैट स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हमने इनको चढ़ा लिया जो उनके सामने लाइन में आ रहे थे उनमें लिख लिए, अब इनको अपनी लाइन में उतारते जाए इस तरह करके, कैपिटल आर कैपिटल वाई इसको इधर चढ़ाते जाए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, अब इसको इधर यूं करके चढ़ाते जाए, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हमने इनको यहां पे चढ़ा लिया। अब यहां पे क्या है, इनको यहां पे चढ़ाना है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब इनको इस तरह अपनी लाइन में सीधे ले आना है, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहां पर देख रहे हैं जनाब ये पॉसिबल जो है वो ये एफ जो है एफ वन से एफ टू बन गई है, यहां पे हमें 16 कॉम्बिनेशन मिल गए हैं 4x4 के। ये कैपिटल आर, अगर एक भी कैपिटल आर मौजूद होगा तो वो राउंड है, और अगर एक भी कैपिटल वाई मौजूद होगा तो वो येलो है। ये चीज माइंड में रखनी है कि रिंकल्ड वो कब होगा जब दोनों स्मॉल आर मिलेंगे, और ये ग्रीन कब होगा जब दोनों जो है वो क्या है स्मॉल वाई मिलेंगे। अभी देखना, एक भी कैपिटल आर है तो वो राउंड है, एक भी कैपिटल वाई है तो वो येलो है। अब इसको कॉम्बिनेशन देखते हैं, ये कैपिटल आर आ गया ये राउंड है, कैपिटल वाई आ गया मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूं ये येलो है, ठीक है, ये कैपिटल आर आ गया ये राउंड है, कैपिटल वाई एक आ गया तो ये येलो है, यहां पे ये कैपिटल आर एक आ गया राउंड है कैपिटल वाई मौजूद है तो ये येलो है, यहां पे भी कैपिटल आर मौजूद है तो ये राउंड है कैपिटल वाई भी मौजूद है तो ये येलो है, यहां पे कैपिटल आर मौजूद है एक कैपिटल वाई है तो ये राउंड भी है येलो भी है, यहां पे ये कैपिटल आर मौजूद है राउंड तो है लेकिन दोनों स्मॉल वाई हैं तो इट मीन डेट कि ये ग्रीन है, मैं इसको ये यू इसमें लाइनिंग लगा रहा हूं शो करने के लिए। अब यहां पे कैपिटल आर मौजूद है कैपिटल वाई भी मौजूद है तो ये राउंड भी है येलो भी है,
यहां पे ये राउंड तो है क्योंकि कैपिटल आर मौजूद है एक, दोनों स्मॉल वाई है तो ये ग्रीन हो जाएगा, ये मैं इसको यू शो कर रहा हूं। अब यहां पे एक कैपिटल आर मौजूद है तो वो राउंड है और कैपिटल वाई मौजूद है तो वो येलो है। यहां पे कैपिटल आर भी है एक, कैपिटल वाई भी है, राउंड है येलो है। यहां पे दोनों स्मॉल आर है, ये रिंकल्ड है, रिंकल्ड है मगर दोनों कैपिटल वाई है तो ये येलो है। यहां पे दोनों स्मॉल आर है तो ये रिंकल्ड है मगर येलो है। इसको अगर हम देखें तो ये कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, ये राउंड भी येलो भी। यहां पे कैपिटल आर भी है और उसके बाद जो है वो स्मॉल वाई है, मतलब ये है कि ये राउंड हुआ और ग्रीन हुआ, ये ग्रीन हो गया साथ इसके। यहां पे ये दोनों स्मॉल आर है तो मतलब कि ये रिंकल्ड हो गया, लेकिन कैपिटल वाई मौजूद है तो ये येलो है। यहां पे जनाब दोनों स्मॉल आर है रिंकल्ड है, दोनों स्मॉल वाई है तो ये ग्रीन भी है। अब यहां पे इसके पॉसिबल जो है वो कॉम्बिनेशन देखते हैं। पहला बन रहा है हमारे पास राउंड एंड येलो का, राउंड एंड येलो का कॉम्बिनेशन है जनाब वो है, ये हमने उसको यूं शो किया हुआ है राउंड एंड येलो को। दूसरा है हमारे पास राउंड एंड ग्रीन का, उसे हमने यूं शो किया है कि वो राउंड भी है लेकिन उसको हमने लाइनिंग से शो कर दिया, राउंड एंड ग्रीन हो गया। हमने तीसरे को शो किया है कि रिंकल्ड, रिंकल्ड एंड येलो का जो है वो कॉम्बिनेशन है वो हमने यूं करके यूं शो कर दिया है। चौथा है ये रिंकल्ड भी है, दोनों रिसेसिव ट्रेट्स हैं, रिंकल्ड एंड ग्रीन है, इसको हमने यूं शो किया है कि ये रिंकल्ड भी बना दिया और इसके अंदर ये लाइनिंग लगा दी है। अब ये चार पॉसिबल जो है वो हमें प्रोडक्ट हासिल हुई है, ऑफस्प्रिंग हासिल हुई है। अब राउंड एंड येलो गिनने कितने हैं, राउंड एंड येलो एक दो, ये साथ लिखते जाते हैं, एक दो तीन चार फोर फाइव, उसके बाद सिक्स सेवन एट एंड नाइन, ये राउंड एंड येलो दोनों जो डोमिनेंट ट्रेड्स हैं वो आई हैं। तो वो कितनी आई हैं जनाब, नाइन आई हैं राउंड एंड येलो, नो। उसके बाद आता है जी राउंड एंड ग्रीन, एक राउंड एंड ग्रीन, दूसरा राउंड एंड ग्रीन और ये तीसरा राउंड एंड ग्रीन, वो कितनी होगी, थ्री होगी, राउंड एंड ग्रीन थ्री हो गए। आगे रिंकल्ड एंड ग्रीन है, ये रिंकल्ड एंड ग्रीन एक दो और ये तीन, तीन रिंकल्ड एंड ग्रीन आ गए जनाब, ये कॉम्बिनेशन हो गया, थ्री रिंकल्ड एंड ग्रीन है। आगे रिंकल्ड एंड येलो, सॉरी रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने हैं जनाब, वो रिंकल्ड एंड ग्रीन एक ही खड़ा है यहां पे और ये बनता है वन, ये रेशो बन गई है इसकी, नाइन रेशो थ्री रेशो थ्री रेशो वन। तो ये रेशो निकली जनाब एफ टू के अंदर, किसकी जनाब, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। और इसमें आप देख रहे हैं कि प्योर लाइन रिंकल्ड एंड ग्रीन ये खड़ा है जो कि प्योरली दोनों रिसेसिव ट्रेट्स हैं, वो वन की जो है वो रेशियो में निकला है। और प्योर लाइन राउंड एंड येलो जो है वो हमें मुयस्सर आया है वो नाइन की रेशियो में हमें नजर आया है। लेकिन यहां पर राउंड के साथ एक रिसेसिव ट्रेट है और वो क्या है, ग्रीन, उसके थ्री मिले हैं। और फिर रिंकल्ड के साथ जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है येलो, वो हमें कितने नजर आए हैं, वो भी थ्री नजर आए हैं। इट मीन दैट कि यहां पे राउंड एंड येलो दोनों डोमिनेंट ट्रेट थी, उनको इकट्ठे आना चाहिए था, रिंकल्ड और ग्रीन दोनों डोमिनेंट ट्रेट थी, उनको इकट्ठे आना चाहिए था। तो यही मेंडल ये कहता है कि भाई मेरी बात सुनिए, मेंडल ये कहता है कि जीन्स आर इंडिपेंडेंट, जो है वो जीन्स जो है वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होते हैं, इंडिपेंडेंटली आजादाना तौर पे वो सॉर्ट होते हैं और फिर वो अपने कॉम्बिनेशन से मिल जाते हैं, वो बधे हुए नहीं है कि वो एक जो है वो डोमिनेंट ट्रेट हो तो दूसरी डोमिनेंट ट्रेट उसी के साथ रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर एक रिसेसिव ट्रेट है तो दूसरी रिसेसिव ट्रेट हमेशा उसी के कॉम्बिनेशन में आए, ये भी पॉसिबल नहीं। हमने देखा है कि यहां पे राउंड जैसी डोमिनेंट ट्रेट के साथ ग्रीन जैसी रिसेसिव ट्रेट आई है और रिंकल्ड जैसी रिसेसिव ट्रेट के साथ येलो जैसा जो है वो डोमिनेंट ट्रेट वकू में आया है, वाके हुआ है। तो ये जनाब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, लेकिन इसके साथ अब इसके लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, इस लॉ की
लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं? एक पहली लिमिटेशन ये है कि यहां पे हमने डाइहाइब्रिड देखा है, डिप्लॉइड को देखा है, लेकिन वो पहला पॉइंट जो उठाया जाता है कि कोई अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड नहीं है, तो ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म अगर कोई नहीं है तो उसके अंदर ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे जो है वो पूरा उतरेगा, ये उसको कैसे फुलफिल करेगा? तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है जनाब कि ये फुलफिल नहीं कर पाता डिजायर्स को, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर एस जे ओ ये पूरा नहीं उतरता। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि कोई पेयर ऑफ ट्रेट्स हैं, जीन्स हैं जो कि सेम क्रोमोसोम के पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं जनाब? सेम क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं। तो सेम क्रोमोसोम्स पे जो पेयर ऑफ जीन्स पाए जाते हैं, पेयर ऑफ ट्रेट्स पाए जाते हैं, वो कैसे उन पे जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूरा उतरेगा, वो उन पे कैसा पूरा उतरेगा? तो वो कहते हैं उन पे भी, सेम क्रोमोसोम पे भी ये पूरा नहीं उतर पाता, दूसरी लिमिटेशन होगी। और तीसरी ये होगी, वो कहते हैं कि ये अगर एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं ट्रेट्स, ठीक है, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं, एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, तो वो क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स क्रोमोसोम पे अगर ये पाया जाता है तो उसमें डिफरेंस है, क्योंकि एक्स एक्स जो है वो फीमेल है और एक्स वाई जो है वो मेल है, और वाई की मौजूदगी में एक्स कांट एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो एक्स वाई जो मेल में आता है, एक्स एक्स या फीमेल में आता है, अगर वो एक्स एक्स तो होगा, और अगर वो ट्रेट वो एक्स क्रोमोसोम पे पाई जाती है देन फीमेल के अंदर तो हम उसे देख सकते हैं, लेकिन जब वो मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम आएगा वो ट्रेट कभी भी नहीं अपने आप को शो करवा सकती, वो चाहे 1% ही क्यों वो शो नहीं करवा सकती है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम की मौजूदगी में एक्स क्रोमोसोम जो है वो रिसेसिव होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो मेल होता है। जब वाई क्रोमोसोम आ जाए तो एक्स क्रोमोसोम पे जो ट्रेट पड़ी होगी जब मेल के अंदर जाएगी तो वो कैसे एक्सप्रेस करेगी, वो 1% भी नहीं कर सकती है, ये एक लिमिटेशन है। लेकिन इसका फायदा क्या है, इसका स्कोप क्या है? स्कोप हम जानते हैं कि मियोसिस में जो है वो उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है और वेरिएशंस आती हैं। ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दूसरा नाम ऐसे समझ लें कि वेरिएशंस का है, ये इसका बहुत बड़ा स्कोप है कि जो काम मियोसिस में हो रहा है वेरिएशंस का, वही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें वेरिएशंस के मुतालिक बताता है। तो ये इसका बहुत बड़ा स्कोप है अपनी लिमिट, हर चीज साइंस की दुनिया में हर एक जो है वो काम की लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ स्कोप भी होते हैं, मगर इन जो है वो लॉज की वजह से ये इतने फ्रूटफुल लॉज थे कि इनकी लिमिटेशंस के बावजूद इनका स्कोप बहुत ज्यादा था और इनको एक्सेप्ट किया गया था, क्योंकि इन लॉज को बाद में टीएच मॉर्गन ने जो है वो बताया था, और टीएच मॉर्गन ने क्या है इनको जो है वो प्रूव किया था, और यही वजह है कि मेंडल को जो है वो नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। तो अगर आप लोगों को जनाब मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है, इसको लाइक करें, कमेंट करें मेरी हौसला अफजाई के लिए, और इसको शेयर करना मत भूलें, लेकिन साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। जाफर बायोलॉजी के साथ अल्लाह।